कुरान मजीद में सूरत मुजम्मल की आयत 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम कुफर करते रहो तो उस दिन के अजाब से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चों को बूढ़ा कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी पिछले माह की बात है कि जब इंडिया के एक गांव में ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो अभी 3 माह का ही हुआ था कि इसके चेहरे पर झुर्रियां जाहिर होना शुरू हो गई और इसकी जिल्द भी ढलकने लगी। हर आने वाले दिन के साथ ये नन्ना बच्चा तेजी के साथ बुढ़ापे की जानिब बढ़ने लगा। न सिर्फ ये कि अपने चेहरे और जिल्द से ये एक मुअम्मर शख्स नजर आने लगा, बल्कि बूढ़े अफराद की तरह इसके अज़ा कमजोर पड़ने लगे और जोड़ों में दर्द भी होने लगा। 4 साल की उम्र को पहुंचने तक वो बिल्कुल किसी 120 साल बूढ़े जैसा नजर आने लगा और यूं जो बात कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमाई वो आज पूरी हो रही है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बशमूल पाकिस्तान बहुत से ऐसे मुमालिक हैं जहां चंद अरसे से बच्चे बूढ़े और इंतहाई कमजोर पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा क्यामत की दूसरी बड़ी निशानी जो पूरी हो रही है वो ये है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत कायम ना होगी यहाँ तक के मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ऐ मुसलमान, ऐ अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे हैं, आओ और इसे कत्ल कर दो सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, गरकत दरख्त को अंग्रेजी में बोस्थ्रोन कहते हैं और यूनानी में लीसियम के नाम से जाना जाता है। इस दरख्त की ऊंचाई 4 से लेकर 6 फुट तक होती है और आज यहूदियों ने अपनी हिफाजत की खातिर इस दरख्त को लगाने की मुहिम पूरी दुनिया में शुरू कर रखी है। इस मुहिम में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा दरख्तों की काश्त हो चुकी है और मजीद लगाए जा रहे हैं। यहूदियों ने गरकत को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और अब ये इनका कौमी दरख्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। खवातीन हजरत, सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है और आज अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले अमेरिका ने सदाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और इन कुओं से लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। आज तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इस जवाल के बाद क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क्यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरेबिया और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब की सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरसब्ज बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरेबिया गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है, अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है, पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकाली जाएंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है और जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक के मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन से ना मिल जाए और जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा ना करें। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी मिसाल आज से कुछ दिन पहले आपने देखी होगी कि दुबई में एक मंदिर खोला गया है और दुबई के बड़े बड़े शेख इसमें नजर आ रहे हैं और बड़ी शान के साथ वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शाम में अगर सलामती नहीं होगी तो कहीं सलामती नहीं होगी और ये आखिरी मार्का होगा। पर आप ये देख लें कि बर्मा, शाम, फलस्तीन, कश्मीर, भारत और वो कौन कौन सी जगह है जहाँ मुसलमानों का कत्ले आम नहीं हो रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह से अर्ज की, मेरी उम्मत के पास कितना वक्त है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक दिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की कि ऐ मालिक, कुछ वक्त बढ़ा दें।
तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आधा दिन और दे देते हैं, यानी डेढ़ दिन। अब मैं आपके सामने एक और हदीस रखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अब डेढ़ दिन का हिसाब लगाया जाए तो ये 1500 साल बनते हैं और आज तकरीबन हम 1420 साल के लगभग पहुँच चुके हैं। बाज और अहादीस में ज्यादा दिन भी हैं, लेकिन मैंने एक आला दर्जे के मुफ्ती की जुबान से ये सुना है कि आज से 70 साल बाद क्यामत के आसार मुकम्मल हो जाएंगे। अब बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला की जात को ही है। बस यही कहना चाहूँगा कि अब हम बस करें और आखिरत की तैयारी करें। उम्मत मुस्लिमा कट रही है, फिरके पर फिरके बन रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और हुजूर के सहाबा को माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह बुरा भला कहा जा रहा है। कुरान से दूरी है, दीन से दूरी है, नमाज खत्म हो गई है। रिश्वत आम, जिना आम, चोरी आम, गुनाह आम, गाली गलौज तो बिल्कुल बड़ी बात ही नहीं लगती। नात को गाना बना दिया गया है, काफर काफर की सदाएं चल पड़ी हैं और क्या क्या दर्द दिल सुनाऊं। बस दोस्तों वो दिन आने वाला है जब सफेद लिबास में लपेट दिया जाएगा, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब सफेद फट्टे पर पड़े होंगे और मस्जिद के खादिम आकर गुस्ल दे रहे होंगे, जब फरिश्ते आकर पूछेंगे कि साहिब असर को छोड़े, अब वक्त चला गया, अब बताएं क्या कुछ लाए हैं। बस ये सोचिए वहाँ क्या होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों की इसलाह करने में हमारा साथ दें, ताकि कोई हमारी और आपकी वजह से नेकी का रास्ता इख्तियार कर ले। इजाजत दीजिएगा, अपना दोस्तों रिश्तेदारों और गिरदोनों आगे तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।